और कुछ मेरे पास प्रश्न भी आए हैं कि गर्भवती महिला गीता पढ़ सकती हैं या नहीं। गीता संस्कृत में गुरु महाराज जांबो जी ने जो वाणी शब्द वाणी के रूप में दी है उसी वाणी के सार रूप में ही गीता है और उसी का ही ट्रांसलेशन जो मारवाड़ी में शब्द वाणी है। शब्द वाणी और गीता में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। यदि हम इनके गूढ़ार्थ को देखेंगे तो जो बात गीता में भगवान कर्म योग का उपदेश करते हैं वही कर्म योग का उपदेश शब्द वाणी करती है। शब्द वाणी को हर कोई पढ़ सकता है, हर कोई समझ सकता है। गीता का पाठ हर किसी के लिए मुश्किल होता है क्योंकि वो संस्कृत में है। यदि भी उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी आता है हिंदी वाला पढ़ सकते हैं। और गर्भवती महिलाओं को तो गीता विशेष रूप से पढ़नी चाहिए, शब्द वाणी विशेष रूप से पढ़ना चाहिए। उस समय जो चीजें आप पढ़ते हो वो ही संस्कार बच्चों में आते हैं। यदि आप गीता पढ़ोगे, शब्द वाणी पढ़ोगे तो उनके संस्कार जो है बच्चों के अंदर आएंगे। प्रहलाद जी महाराज का नाम आपने सुना होगा। प्रहलाद जी कोई स्कूल में पढ़ करके नहीं सीखे कि राम का नाम कैसे लेना है। प्रहलाद जी महाराज हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे, राक्षस कुल में जन्म हुआ। लेकिन जन्म से पहले जब हिरण्यकश्यपु तपस्या में थे उस समय माता कयाधु नारद जी के आश्रम में रही थी और नारद जी महाराज ने जब माता कयाधु सगर्भा थी उस समय सारी बातें माता कयाधु को बताई थी। और प्रहलाद जी का जब जन्म हुआ जन्म के बाद घर में ऐसा कोई वातावरण नहीं था जिसमें कि भक्ति की जा सके या भगवान का पाठ पढ़ाया जा सके। वो केवल और केवल उस समय गर्भ के समय में सीखी हुई बातें थी। और जब एक एनवायरनमेंट मिला, अनुकूल वातावरण मिला, श्री आदे जो है उन मटकों को पका रही थी और उनमें देखा कि वो पांच बच्चे जो है नीचे से जिंदे निकले। प्रहलाद जी को वो बातें सारी स्मृति में आ गई कि भगवान तो वो है जो तीन लोगों का पोषण करता है, सबका पालन करता है, सबको जन्म देता है। और गर्व वाली बात याद आते ही प्रहलाद जी ने जो है भक्ति का रास्ता पकड़ लिया। कितने यातनाएं दी गई लेकिन प्रहलाद जी ने भक्ति नहीं छोड़ी। उसके पीछे क्या कारण था कि गर्भ के समय में संस्कार मिले हुए थे और गर्भ के संस्कार इतने मजबूत होते हैं बालक भूलता नहीं है। उसके बनते हुए जो स्मृति मेमोरी दिमाग उसका निर्माण चल रहा है अभी तक गर्भ में उस समय उसके ऊपर जो चीजें अंकित हो जाती है वो मिटती नहीं है। एक और उदाहरण आता है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की जो पत्नी है अभिमन्यु की मां का नाम था सुभद्रा, अर्जुन की पत्नी थी। और दोनों जो है रोज भगवान श्री कृष्ण से युद्ध की अलग अलग नीतियां, अलग अलग जो युद्ध के कौशल होते हैं उनके बारे में सीखते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण युद्ध की बड़ी जटिल एक विद्या है चक्रव्यूह उसके बारे में बता रहे थे। सुभद्रा जो है बड़े प्रेम भाव से सुन रही थी लेकिन ज्यादा जटिल विषय था तो नींद आने लगी। नींद आ गई तब बालक जो है गर्भ में था उसका नाम था अभिमन्यु। आधी बातें सुने कि चक्रव्यूह का रचना कैसे होती है, उसमें एंट्री कैसे की जाती है, बाहर निकलने की चीजें भगवान बता रहे थे तब तक माता सुभद्रा को नींद आ गई। और बाद में जब युद्ध भूमि के अंदर चक्रव्यूह की रचना हुई और दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, अर्जुन कहीं दूर चले गए थे, तब अभिमन्यु ने कहा कि इसमें एंटर तो मैं हो सकता हूं लेकिन बाहर निकलने वाली बात मेरे को याद नहीं है। अभिमन्यु जैसे ही एंटर हुए बाहर निकलने की विद्या नहीं जानते थे और उनका वध हो गया। तो वो बातें उन्होंने कहीं नहीं सीखी, माता के गर्भ से सीख करके आए। पहले के जमाने में जब गर्भवती होती थी माता उसको बड़ी अच्छी अच्छी शिक्षाएं, अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी बातें बताई जाती थी। माता पिता दादा दादी बड़े बुजुर्ग होते थे वो महापुरुषों की गाथाएं सुनाते थे। अच्छे जो उदाहरण है हरिश्चंद्र के, युधिष्ठिर जी के, प्रहलाद जी के, वो कथाएं बताई जाती थी जिनसे बालक उनके जैसा होता था। बालक का जन्म होता था तब माताएं बहने बात करती थी कि ये बेटा तो बिल्कुल दादाजी पे गया है, ये तो बिल्कुल जो है इसके आंख जो है नानी जी के जैसी है, इसके कान जो है वो दादाजी के जैसे हैं। घर में ही किसी न किसी की शक्ल मिलती थी। अब जो है माताएं बहने हाथ में रिमोट होता है या मोबाइल होता है उसमें या सीरियल देखती हैं या फिर कुछ और ऐसी चीजें देखती है, फिर उनका प्रभाव बालक के गर्भ में भी पड़ता है। बालक का जन्म होता है तब बातें करते हैं कि
मेरा वाला बेटा तो बिल्कुल जी टीवी पे गया, जी टीवी पे नाटक आता है, स्टार टीवी पे आता है, स्टार प्लस पे आता है, अलग अलग नाटक, क्योंकि बार बार वो नाटक दिमाग में घूमते हैं। रोटी बनाते हैं तब भी वही दिमाग में रहता है, भोजन करते हैं वही दिमाग में रहता है, तो उसका प्रभाव भी बच्चों पे पड़ता है। तब उस समय गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। और एक और प्रश्न आया है कि रात के खाने का बचा हुआ आटा लाश समान माना जाता है, ऐसा तो नहीं है कि लाश के समान माना जाता है, लेकिन हमारे शास्त्रों की यही मर्यादा थी। आजकल तो फ्रिज आ गए हैं और भी ऐसी व्यवस्थाएं आ गई जिनमें उसको यथावत रखा जा सकता है। पहले फ्रिज की या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिनमें कि हम आटे को भिगो करके रख सके। तब ऐसी मान्यताएं थी कि रात को रखा हुआ आटा सुबह को काम में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रात भर में वो आटा खराब हो जाता है, उसमें अनेक प्रकार का संक्रमण होने की संभावना रहती थी। तब या तो रोटी बना करके रखते तो सुबह को ठंडी रोटी काम में ले लेते, नहीं आटा बचा हुआ रखते ही नहीं थे, क्योंकि आटा रखने की व्यवस्था नहीं थी, आटा सुबह तक खट्टा हो जाया करता था। तब यही परंपरा थी और अलग अलग लेख भी लिखे गए कि भाई इस आटे को सुबह यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन अब विदेशों में, फॉरेन में या अपने भी, पहले विदेशों में था, अब तो घर घर में फ्रिज आ गए, फ्रिज आ गए तो फ्रिज में रख दिया जाता है। हालांकि होता ही आलसी लोगों का ही काम है, दो इलाकों राज को आपको भिगोर रख दे, तो आलसी नहीं बनना है। यदि ऐसी अवस्था में कई बार बच जाता है तो उसको सुबह बना करके खाने में ऐसा कोई दोष नहीं है कि भाई शास्त्रीय दोष है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ध्यान इसी चीज का रखना चाहिए कि जो ताजे फल में या ताजे आटे में या ताजी बनी हुई रोटी में जो ऊर्जा होती है वो बासी आटा होने के बाद में यदि बनाएंगे तो उसमें से हमें नहीं प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब जो है आज का थोड़ा कार्यक्रम भी शायद शेष लंबा है, तो वो हो जाए, उसके बाद में हम लोग एक भजन कीर्तन सुनेंगे, फिर आरती करेंगे।